Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please subscribe. कायनात का सबसे पहला कातिल काबिल है और कायनात का सबसे पहला मक्तूल हाबील है और ये दोनों फरजंदाने आदम अलैहि सलातु वसलाम है। अब काबिल ने हाबील को कत्ल क्यों किया, आइए जरा इसका पस मंजर देखते हैं। हजरत सैयदना आदम अलैहि सलातु वसलाम के दौरे अकदस के अंदर हजरत सैयदा तय्यबा जनाब अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा आपकी ये शान और अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम और कुदरत अता फरमाई आपको कि आपके यहाँ जब एक हमल होता तो उसके अंदर एक बेटा पैदा होता और फिर दूसरे हमल में एक बच्ची पैदा होती। हजरत आदम अलैहि सलातु वसलाम ने इरादा फरमाया कि काबील का जो निकाह है वो लियूजा से कर दिया जाए और हजरत हाबील का जो निकाह है वो अकलीमा से कर दिया जाए। अब काबील को ये बात नागवार गुजरी, वो चाहता था कि मेरी शादी जो है वो अकलीमा से की जाए, लेकिन हजरत आदम अलैहि सलातु वसलाम ने बड़ी उसको समझाने की कोशिश की और आपने फरमाया कि ऐ काबिल, ये जो अकलीमा है ये तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारा निकाह जो है वो लियूजा के साथ किया जा रहा है और हाबील का जो निकाह है वो अकलीमा के साथ किया जा रहा है। अब ये बाजिद था और अपने बाप की बात को ना तस्लीम कर सका। हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहि सलातु वसलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाया ऐसे करो कि तुम कुर्बानी दो और अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल होगी अकलीमा का ज्यादा हकदार भी वही होगा। अब हाबील ने एक बकरी जिबा की और काबील ने चंद गंदुम की बालियां जो हैं वो चंद सिटे लेकर सहरामीन दोनों ने ये कुर्बानियां रख दी। अब उस वक्त होता कुछ इस तरह था कि आसमान से आग आती और जिसकी कुर्बानी को खा जाती ना उसका समझा जाता था कि ये कुर्बानी कबूल हो गई है, लेकिन हाबील की कुर्बानी फिर इस वक्त जो है वो कबूल हुई और काबिल की कुर्बानी कबूल ना हो सकी। इस वजह से काबिल के दिल में मजीद हसद की आग जो थी वो बढ़ना शुरू हो गई और उसने इरादा किया और उस इरादे का अपनी जुबान से अजहार भी कर दिया कि हाबील, मैं तुझे जरूर बजरूर कत्ल करूंगा। तो जनाबे हाबील ने कहा कि ठीक है, तुम मुझे कत्ल करो, लेकिन मैं खुद तुझ पर कभी भी अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, मैंने अपना फैसला अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द किया है, अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन इंसाफ फरमाने वाला है। बिलाखिर काबिल ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। जब यह खबर हजरत सैयदना आदम अलैहि सलातु वसलाम को पहुंची तो आप बहुत ज्यादा परेशान और गमजदा हुए, हत्ता के रवायात के अंदर आता कि एक साल तक आपके चेहरा अनवर पर मुस्कुराहट नहीं देखी गई। हजरत आदम अलैहि सलाम ने काबिल को अपने घर से बेदखल कर दिया, घर से निकाल दिया, उसने अकलीमा को साथ लिया और उदन जमीन की जो है वो सरजमीन पर जा बसा। और ये वो पहला शख्स है कि इसके पास जब शैतान आया और उसने आकर इसे कहा कि हाबील असल में खुदा आग की जो है वो इबादत करता था, आग को खुदा तस्लीम करता था, इसलिए आग ने आकर हाबील की कुर्बानी को जो था वो खा लिया था, इसलिए तुम भी आग की इबादत करो, तुम भी आग की पूजा किया करो और तुम्हारी भी कुर्बानियां कबूल होगी। और ये वो पहला शख्स है जिसने आग की पूजा का जो है वो काम शुरू किया। आग परस्त जो पहला शख्स है वो काबिल है, इस वजह से शिर्क जो है वो कायनात में फैलना शुरू हो गया। लेकिन इसके ही एक बेटा था जो आंखों सेंधा था, उसने पत्थर उठाकर इसके सर पे मारा और इसको कत्ल कर दिया। अब ये था नबी ज़ादा, लेकिन शिर्क में मुलव्वस, कुफर के अंदर मुलव्वस और इसी हालत में ये मरा, दुनिया से गया। हाबील की कुर्बानी के तकरीबन कुछ 5 बरस बाद हजरत आदम अलैहि सलातु वसलाम के घर हजरत सैयदना शीस अलैहि सलाम पैदा हुए। लफ्ज शीस सुरियानी जबान का लफ्ज है, अरबी में इसका माना होते हैं अल्लाह का अतिया। हजरत सैयदना आदम अलैहि सलातु वसलाम पर जो 50 सहीफे अल्लाह अज़्ज़ोजल ने नाज़िल फरमाए थे, आपने उनकी तालीम हजरत सैयदना शीस अलैहि सलाम को भी दी और हजरत सैयदना शीस अलैहि सलातु वसलाम की जो है वो जात के लिए रब की बारगाह में दुआ की कि या रब्बुल आलमीन इसकी औलाद में बरकत फरमा, इसके खानदान में बरकत अता फरमा। और ये वही शीस अलैहि सलातु वसलाम है जिनके खानदान में नस्ल दर नस्ल हमारे इमामुल अंबिया खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जलवा फरोज हुए और आकल इस्लाम भी इसी नस्ल में पैदा हुए। और हजरत सैयदना शीस अलैहि सलातु वसलाम के मुतल्लिक मुख्तलिफ अकवाल ये भी हैं कि हजरत शीस अलैहि सलाम का मजार पुरानवार पाकिस्तान के जिला गुजरात के अंदर मौजूद है।
अब इस पूरे तमाम किस्से से, पूरी कहानी से पता ये चलता है, और ये कुरानी और रहमानी और सच्चा किस्सा है। इसके अंदर जो सबक लेने वाली बातें वो ये हैं कि बाज दफा हसद की दिल के अंदर आग जब भड़कती है तो इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो अपने भाई को भी कत्ल कर सकता है। और कायनात का जो सबसे पहला कत्ल हुआ वो औरत के मामले पर हुआ। तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि वो औरत के फितना इश्क से हमें सबको जो है वो महफूज फरमाए। और तीसरी बात यहाँ पे वो ये है कि जिसको गौर फिक्र करने की ज्यादा हमें जरूरत है कि अगर बाप ने को औलाद गुमराह हो या औलाद काफिर हो या बद मजहब या जनाब अली बद किरदार हो तो उसका गुनाह या फिर उसका कसूरवार किसी के वालिदैन को नहीं ठहराया जाएगा। उसका कसूरवार वो गुनाह करने वाला ही है और उसके अंजाम का सजावार भी वो गुनाह करने वाला ही होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए।